झंडा आपकी निशान। माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हिंदू दलितों की मसीहा, पिछड़ों की महारानी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मन या तो हिंदू धर्म से भर गया है या फिर उन्हें हिंदुओं से नफरत हो गई है। यह आरोप नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद चीख चीख कर कह रही हैं कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगी, वो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेंगी। महाराष्ट्र की एक रैली में उन्होंने जनता के बीच अपनी ये मन की बात कही है। ऐलान किया है कि हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध हो जाएंगी, लेकिन कब, इसका भी जवाब उनके पास तैयार है। बिना किसी शर्म, लिहाज और संकोच के दलितों के लिए इस धरा पर क्रांति लाने का दावा करने वाली कुमारी बहन मायावती का दावा है कि सही समय आने पर वो अपना धर्म बदल लेंगी। अब आप लोग इस मामले में, यानी कि धर्म परिवर्तन करने के मामले में मेरे बारे में भी जरूर सोचते होंगे कि बहन जी बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के रास्ते पर चलकर कब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगी, ये आप लोग सोचते होंगे। तो इस मामले में मेरा अपने लोगों को जवाब यही है कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा जरूर लूंगी, किंतु सही व उचित समय पर। हालांकि इसके लिए वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दुहाई दे रही हैं, दम भर रही हैं कि जिस तरह से जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अंबेडकर ने धर्म बदल लिया था, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो सही समय आने पर हिंदू धर्म छोड़ देंगी। दरअसल अंबेडकर ने जब धर्म बदलने का फैसला किया था, तब का माहौल आज से बिल्कुल जुदा था। अंबेडकर ने बचपन से ही महसूस किया था कि दास्ता यानी गुलामी ही दलितों की नियति यानी किस्मत है। वो इस सामाजिक जंजीर को तोड़ने का इरादा पहले ही कर चुके थे, इसलिए जब उन्होंने अपने चेले चपाटों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया तो यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बिगुल बजाते हुए जब धर्म बदला था तो 22 शपथें भी ली थी। इनमें से सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी कि ब्राह्मणों के हाथों होने वाले किसी भी रीति रिवाज में वो हिस्सा नहीं लेंगे। वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, गौरी जैसे किसी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की एक वजह यह भी बताई थी कि इसमें असमानता है, यह हर जाति को बराबरी का दर्जा नहीं देता। 21वीं सदी में जब भारत चांद पर जाकर आविष्कार करने का दावा करता हो, उस देश में आज मायावती को ऐसा लगा कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने के इरादे का ऐलान कर दिया। काशीराम की उंगली पकड़कर बीएसपी की सुप्रीमो बन चुकी मायावती एक जमाने से बाबा साहब के नाम पर चुनाव के समय कटोरा लेकर निकलती हैं, तो वो पिछड़ों और दलितों के वोट से भर जाता है। क्या मायावती बताएंगी कि जब अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया तो वो लंबे समय तक पंडित सतीश चंद्र मिश्रा और नकुल दुबे को साथ लेकर ये नारा क्यों लगाती रही थी कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है? क्या यह नारा सिर्फ सत्ता की मलाई खाने भर के लिए था? क्या मायावती यह बताने का कष्ट करेंगी कि अंबेडकर ने किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते थे, तो क्या मायावती भी ऐसा करती हैं? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर हिंदू ही नहीं बल्कि देश का हर नागरिक जानना चाहेगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हिंदू धर्म में ऐसी क्या खराबी नजर आई, या हिंदुओं ने उनके साथ ऐसा क्या बुरा सलूक किया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का इरादा कर लिया? आकाश शुक्ल, लखनऊ।